हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा की रसोई। आज हमारी रसोई में बनने जा रही है एक हेल्दी ड्रिंक, जो आपकी थकान को भी दूर करेगा, पेट को भी ठंडक पहुंचाएगा, जो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में भी हेल्पफुल रहेगा। हंड्रेड्स ऑफ बेनिफिट्स हैं इस ड्रिंक के, और इस ड्रिंक का मेन इंग्रेडिएंट है सौंफ। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं सौंफ का शरबत। आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में हेल्पफुल रहता है, ब्लड प्यूरिफाई में भी हेल्प करता है, और डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। इसे आप दूध और पानी दोनों के साथ बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी हेल्दी ड्रिंक बनाने की रेसिपी। उससे पहले, अगर आपने चंद्रा की रसोई को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए धागे वाली मिश्री। मिश्री की जगह आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि हम हेल्दी ड्रिंक बना रहे हैं, इसलिए हमने मिश्री का यूज़ किया है, क्योंकि ये मिश्री केमिकल फ्री रहती है। मिश्री को पहले हमें इस तरीके से कूट लेना है, क्योंकि मिश्री बहुत सॉलिड होती है। अगर इसे टुकड़ों में नहीं तोड़ेंगे तो ये मिक्सी में ठीक से पिस नहीं पाएगी। और जितना सौंफ लेंगे आप, उसका 4 गुना हमें मिश्री लेनी है। नेक्स्ट हमने लिया है पॉपी सीड्स, खसखस के भी अपने ही फायदे हैं। हमने लिए हैं सौंफ। यहाँ हमने 2 टाइप के सौंफ लिए हैं, मोटे और पतले। आप चाहें तो 1 टाइप के सौंफ से भी शरबत बना सकते हैं। हमने लिए है 15 से 20 इलायची और 20 से 25 काली मिर्च। और साथ ही हमने ले ली है मिश्री, हमने कूट के छोटे छोटे टुकड़ों में कर ली है। अब हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके हमें एक फाइन पाउडर बनाना है। केवल सौंफ अच्छे से नहीं पीसेगी, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिश्री भी डालनी है। मिश्री के साथ इसे जब पीसेंगे तो ये एक अच्छा सा फाइन पाउडर बन के निकलेगा। ये देखिए, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं इसमें, और साथ ही हम डालेंगे अब मिश्री। वैसे तो मिश्री हमें 4 गुना लेनी है सौंफ के, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप मिश्री की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए, हमारा फाइन पाउडर रेडी हो गया है। ये देखिए, इसका कलर भी कितना अच्छा है। इसे छानना है, इसके लिए हम एक छन्नी लेंगे और उसमें पाउडर को डालकर छानेंगे। इस तरीके से हमें छानते रहना है। छान के जो वेस्ट निकलेगा उसे ग्राइंड करेंगे और उसे फिर से अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें छानते जाना है। इस पाउडर की ये अच्छी बात है कि आप इसे एक बार बनाकर रख लीजिए और ये महीनों तक ख़राब नहीं होंगी। आपको इसकी ज़रूरत लगे, इस पाउडर को पानी के साथ या दूध के साथ पीजिए। हाथ पैर में अगर दर्द भी रहता है, थकान महसूस होती है, आप इसे ठंडे दूध में मिलाकर पिए, आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। इनको बच्चे, बूढ़े, यंग, हर कैटेगरी के बंदे पी सकते हैं। इस ड्रिंक में हमने सारी हेल्दी चीज़ें यूज़ की हैं। ये देखिए, हमारा सारा पाउडर अच्छे से छन चुका है और वेस्टेज ऊपर आ गया है। अब इस वेस्टेज को भी फिर से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद फिर जो इसका पाउडर बनेगा, हम उसे फिर से छानेंगे। इस तरीके से करते करते हमें पूरे पाउडर अच्छे से छान लेना है। ये देखिए, ये हमारा दूसरी बार है, फिर से हम इसे छानेंगे उसी तरीके से, और ये हमारा पाउडर हो गया है रेडी। ये देखिए कितना फाइन पाउडर बना है। चूँकि हमें इसे लॉन्ग लास्टिंग रखना है, खराब नहीं होने देना है, तो इसे हमें ग्लास कंटेनर में प्लेट में भर के रख देना है, और जैसे जैसे जब जब हमें पीना होगा बस निकाल के इसे यूज़ कर लेंगे। अब आती है सर्व करने की बारी। यहाँ हमने 3 ग्लास लिए हैं और इस सब में हमें 2-2 चम्मच ये पाउडर डाल देना है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आप इस पाउडर को पानी के साथ और दूध के साथ दोनों तरीके से ले सकते हैं। मैं वैसे ही आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये हमारा 2 गिलास है, इसमें हमने पानी भर दिया है। ये देखिए, इस तरीके से हमें पानी भर देना है और स्पून की हेल्प से मिक्स कर देंगे पाउडर और पानी दोनों को। अब इनमें से 1 गिलास में हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट, फिर ऐड करेंगे हम 1/2 टेबल स्पून ही वाइट सॉल्ट के साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 लेमन जूस, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2-4 आइस क्यूब्स। ये लीजिए, बन गया आपका हेल्दी ड्रिंक। इसे ऐसे भी पी सकते हैं, और एक सेकेंड मेथड है, इस पाउडर को पानी में मिलाएं और सिर्फ लेमन जूस ऐड करें। आप चाहें तो इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी बेहतर आएगा। इसमें भी 2-4 आइस क्यूब्स डालें। ये हमारा दूसरा मेथड, एंड हमारा थर्ड मेथड है, इस पाउडर में आप दूध डालें, दूध के साथ इस पाउडर को मिक्स करें और 2-4 आइस क्यूब्स इसमें भी डालकर इस हेल्दी ड्रिंक को इंजॉय कीजिए। बस बन गई हमारी हेल्दी ड्रिंक विद हेल्दी इन्ग्रीडियंट्स। आपको इनमें से जो भी मेथड अच्छा लगे, आप उस ड्रिंक को उस तरीके से अपने यूज़ में लाइए। थैंक यू। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्रिंक कैसी लगी।
और चंद्रा की रसोई को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।